नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। आज मैं आपको देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे प्रधानमंत्री जी की एक भाषण सुनाऊंगा और उस भाषण को पहले आप सुन लीजिए, फिर हम बात करेंगे कि आखिर ये सच है या छलावा। खड़ा हूं तब मैं आज बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना चाहता हूं। करो 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए, दिल्ली सरकार 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज देगी, 1,25,000 करोड़ रुपया बिहार का भाग्य बदलने के लिए, 1,25,000 करोड़ रुपया। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपका मिजाज देख रहा हूं, हर कोई खड़ा हो गया है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरे भाइयों बहनों, 1,25,000 करोड़ रुपया बिहार का भाग्य बदलने के लिए। किस तरीके से भावनाओं को कुरेदा जाता है और भावनाओं को कुरेद करके फुटबॉल की गेंद की तरह लातों से अपनी मन के मुताबिक ऊंचाई तक भावनाओं को उछाल दिया जाता है। क्या उच्च पदस्थ पे आसीन व्यक्ति इस तरीके की बात करता है? बिहार की भावनाओं से कैसे कैसे खेला गया है, मैं आज पूछना चाहूंगा माननीय नीतीश कुमार जी से, जिनकी सरकार आज भाजपा के सहयोग से बिहार में टिकी हुई है। जब मर्जी होता है सरकार बनाने के लिए कभी राजद के साथ चले जाएंगे, जब वहां पटरी नहीं बैठेगी तो भाजपा के साथ चले आएंगे। सिद्धांत तो रह गई ताक पर, कोई सिद्धांत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही सिद्धांत है कि हम किस तरीके से सत्ता पे काबिज करें। भला ऐसे होगा विकास? भला हवाबाजी से होगा विकास? माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 50,000 दे दूं, 60,000 करोड़ दे दूं, 70,000 करोड़ दे दूं, जाओ मैंने 1,25,000 करोड़ दे दिया बिहार के विकास के लिए, और सामने बैठे निरीह जनता इनके इस उद्बोधन पे तालियां पीटते नजर आई। खुशियों का लहर समंदर में डुबो डुबो करके प्रधानमंत्री जी का ये भाषण रख दिया है आम नागरिकों को। भावनाओं की कदर नहीं, भावनाओं को जूतों के तरह रौंदते नजर आएंगे आप। ये चीज मैं आपको आज दिखा रहा हूं, आप देखिए कि किस तरीके से, एक बार फिर से देखिए कि किस तरीके से वो बिहार के लोगों की भावनाओं से खेलने का काम कर रहे हैं। कितना रुपया मिल गया, कितना पैसा मिला बिहार को? बिहार की विकास की बात करने वाली सरकार कम से कम बिहार के मजदूरों को जो दुर्दशा हुई है, जो दुर्दशा रोज भुगतना पड़ रहा है, सड़कों पे छाले पड़े, पैरों में चलते चलते खून बह रहा है, मांस जल चुका है सड़कों की तपिश से, कितने के बच्चे भूख से बिलबिला करके मर गए, कितनी महिलाओं जो कि बच्चों को सड़कों पे जन्म दी और सड़कों पे जन्म देने के बाद 150-150 किलोमीटर दूर पैदल चली है
ट्रॉली बैग पर बच्चों को सुला करके माँ लेके खींचते जा रही है। 10 साल 11 साल का बच्चा अपनी माँ बाप को ठेले पे बिठा करके चलाता हुआ जा रहा है। क्या यही आपका सवाल आप करोड़ दिए हैं आप? और मंच पे खड़े होकर के ताली पीटने वाले बड़े बड़े बिहार के नेता, गनीमत है कि वो मंच पे ताली पीट रहे हैं, कहीं ऐसी परिस्थिति ना आ जाए कि उन्हें ट्रेनों में भी ताली पीटने की नौबत हो जाए। किस मुंह से आप जनता के बीच जाएंगे और क्या कहेंगे कि हमारा विकास यह है कि सड़कों पे सो जाओ, सड़कों पे भूखों मरो, 2,000 किलोमीटर, 3,000 किलोमीटर, 10-10 दिन, 15-15 दिन, 20-20 दिन से पैदल चलाओ, कोई पूछने वाला नहीं। अगर कोई पूछने वाला होता है तो हाथ में पुलिस डंडा लिए हुए जो उन भूखे और गरीब लाचार मजदूर, बेबस मजदूर को पीटते पीटते दम तुड़वा देती है। हाथ जोड़ करके रहम की भीख मांगता बिहार का मजदूर किसी को नहीं दिखाई देता, बिल्कुल दिखाई नहीं देता। क्योंकि अगर सच दिखाएंगे आप, सच बोलेंगे आप, तो आप पर FIR हो जाएगी, आपको धमकी मिलेगी, तरह तरह के फेक ID से आपको गालियों से नवाजा जाएगा। सच बोलने की कीमत मीडिया बंधु को आज चुकानी पड़ रही है। आज बिहार सरकार अपने सच को सड़कों पर आने से रोकने के लिए मीडिया कर्मियों को क्वारंटाइन सेंटर में जाने पर पाबंदी भी लगा दी। इससे भी बड़ा कोई उदाहरण चाहिए था आप लोगों को? नीतीश कुमार आज उनके साथ बैठे हुए हैं सरकार में, क्यों नहीं बोलते कि 1.25 करोड़ आपने कहा था, 1.25 करोड़ उन गरीब मजदूरों को भी दे देते कम से कम, नहीं तो हम कहीं का नहीं रहेंगे। नहीं बोलेंगे वो, क्योंकि उनको पता है कि बिहार में हमारा कॉम्पिटिटर नहीं है। और ये सबसे बड़ी भूल होगी सुशासन की सरकार, आपके सरकार में, आपके सुशासन की सरकार में आम लोगों के FIR दर्ज भी नहीं हो पाते। पैसा फेंको तमाशा देखो की कहानी चल रही है आपके सरकार में, आपकी सुशासन की सरकार में। जंगल राज चिल्लाने वाले, सुशासन जैसे शब्दों को अप्रतिष्ठित कर देने वाली सरकार गूंगी और बहरी हो गई है। इसे कुछ दिखाई नहीं देता कि हमारे यहां आखिर हो क्या रहा है। लोग भूख से बिलबिला रहे हैं, लोग पैदल चल चल के थक करके बेहोश होकर के गिरे पड़े हैं, और आपकी पुलिस ना तो उन्हें कोई व्यवस्था दे रही है, ना ही उन्हें कोई संरक्षण दे रही है। आपका प्रशासनिक व्यवस्था ध्वस्त हो चुका है, आपकी पोल खुल चुकी है। इंतजार कीजिए, बहुत समय नहीं है। अफसोस इस बात का है कि आखिर आपके साथ लड़ेगा कौन। चिंता मत कीजिए, ये बिहार है, ये बुद्ध की धरती है, ये ज्ञान की धरती है, आपको जवाब उचित वक्त पर उचित मिलेगा ही, नहीं तो इस मजदूरों की हाय आपको काट खाएगी। जहां मजदूर दिवस पर भी लोगों से आपने काम कराए, मजदूरों को पता ही नहीं चला कि मजदूर दिवस कब मना। एक मास्क उपलब्ध नहीं करा सकते, जो सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट था उसको आपने अपना महत्वाकांक्षी योजना की जिम्मेदारी दे दी, वो है PHED। ध्वस्त हो चुकी है, कहीं भी एक भी नलका से एक बूंद पानी नहीं आ रहा है। हवाई यात्रा से सर्वेक्षण कर घूम घूम करके देखने वाली सुशासन की सरकार को अब ये भी देख लेना चाहिए कि नल जो मैंने लगाया उससे जल भी आता है या नहीं। तो आपको मैं तमाम इस तरीके के ज्वलंत मुद्दों से मुलाकात कराते रहूंगा। आप बने रहिए BD News बिहार के साथ। धन्यवाद।